Do you feel the pulse? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यजदान और आप देख रहे हैं HTML के ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में स्पैन टैग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पैन टैग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपर्स के, वेब डिज़ाइनर्स के लिए। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि स्पैन टैग में और डिव में किस तरह डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ली है, आ गई, मैंने बना के क्रिएट करके रखी है पहले से ही। इसमें मैंने एक पैराग्राफ, सिंपली एक पैराग्राफ लिया है जिसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दे दिया है और ये वो हमारा पैराग्राफ है। कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पे जिसको मैंने रिफ्रेश किया हुआ है तो इसका जो है ये हमारे सामने एक डाटा शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ये लिखा है डमी, इसके ऊपर मैं अलहदा से स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पैन टैग को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डमी पे हम करना चाहते हैं तो हमने इसको स्टार्टिंग की स्पैन की और डमी के बाद स्पैन की क्लोजिंग कर दी। फिर हमने क्या करना है, हमने इस स्पैन टैग के ऊपर, इसको भी हम स्पैन टैग को भी आईडी दे सकते हैं, आईडी इक्वल टू स्पैन वन, इस तरह हम बाद में आईडी के ऊपर हम दे दें उसकी स्टाइलिंग, जिस तरह मर्जी हम कर सकते हैं। तो स्पैन टैग के ऊपर हम इधर से स्टाइलिंग दे देंगे कि जो हमारा स्पैन टैग है उस पर क्या हो जाए, उसका जो कलर है वो हो जाए रेड और फॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए 20 पिक्सल। कंट्रोल एस, बल्कि ये हो जाए 25 पिक्सल। कंट्रोल एस, यहाँ पे आगे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सिर्फ डमी पे ये वाला अप्लाई हुआ। अब आप कहेंगे कि इस तरह हम डिव से भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन डिव में और स्पैन टैग में एक बहुत ही डिफरेंस है। वो कैसे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे हम आगे सिंपली कर देंगे कि जितनी डिव है उन पे अप्लाई कर दो। अब ये वाला स्टाइल तो अप्लाई हो गया, लेकिन ये जो मार्जिन या पैडिंग इसका जो अपना मतलब डिफ़ॉल्ट जो उसमें दिया गया है वो भी यहाँ पे साथ आ रहा है, इसलिए हम डिव टैग को कभी भी इस तरह एडिटिंग करने के लिए यूज़ नहीं करते। अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर एडिटिंग करनी है तो हम इधर स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ था तो इसके अंदर हमने एडिटिंग करना चाहिए इसके कुछ पार्ट के अंदर, तो हम इसमें स्पैन टैग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे कोई डिफरेंस नहीं आता दूसरे टेक्स्ट में, और बाकी भी टेक्स्ट उसी की तरह ही रहता है, बस उसी टेक्स्ट पर डिफरेंस आएगा जिसके ऊपर हम अलहदा से स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, स्पैन टैग हमने पढ़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।